हेलो बच्चों, आज हम जो पोयम करने जा रहे हैं वो है सिक्स क्लास की पोयम द क्वेरल। क्वेरल का मीनिंग होता है झगड़ना। ये बच्चों बहुत ही प्यारी और छोटी सी पोयम है। इसमें दो भाई बहनों के बीच झगड़े के बारे में बताया गया है कि भाई बहन जो आपस में लड़ते हैं कभी कभी, और उनके झगड़े का कोई रीज़न भी नहीं होता लेकिन झगड़ा उनका बढ़ जाता है, और फिर झगड़े का अंत कैसे होता है, क्या होता है, ये इस पोयम का विषय है। तो आइए शुरू करते हैं पोयम द क्वेरल। इट इज कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर टू क्वेरल। ये बहुत ही आम बात है कि भाई बहनों के बीच झगड़ा हो। ऑल्दो समटाइम्स दे मे नॉट इवन बी एबल टू से व्हाई दे क्वेरल। और यद्यपि कभी कभी तो उन्हें अपने झगड़े का रीजन भी नहीं पता होता, इट मीन्स कि वे ये नहीं बता पाते कि झगड़ा क्यों हुआ है। बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वेरल लास्ट। परंतु ऐसे झगड़े कितनी देर तक चलते हैं, हाउ डू दे एंड, और उनका अंत कैसे होता है। आई क्वारल विद माई ब्रदर। मैं अपने भाई के साथ लड़ी। आई डोंट नो वट अबाउट, और मैं नहीं जानती कि झगड़े का कारण क्या था। वन थिंग लीड टू अनदर, एक से दूसरी बात निकलती गई। एंड सम हाउ वी फेल आउट, और किस तरह से हम झगड़ने लगे। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट। शुरू में तो झगड़ा बहुत धीरे था, स्लाइट मीन्स बहुत धीमे या शांति से था। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन इसका जो अंत था वो बहुत ही भारी था। ही सैड ही वॉज राइट, उसने कहा कि वह ठीक था। आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, लेकिन मैं जानती थी कि वह गलत था। वी हेटेड वन अनदर, हम एक दूसरे से नफरत करने लगे। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, और दोपहर बाद नीरस हो गई। इट मीन्स कि जब दोनों भाई बहन एक दूसरे से नफरत करने लगे तो वो आपस में बोलना बंद कर दिया, और जब बोलना बंद हुआ तो क्या हुआ, वो लोग बोर होने लगे, तो इसलिए दोपहर बाद उनकी क्या हो गई, नीरस हो गई। यहाँ ब्लैक से मीनिंग है नीरस होना। देन सडनली माई ब्रदर थम्पड मी ऑन द बैक, तब अचानक मेरे भाई ने मेरी पीठ थपथपाई। थम्पड़ मीन्स थपथपाना, और कहा एंड सैड, और कहा ओ कम अलोंग। कम अलोंग का मीनिंग होता है आइए। ओ कम अलोंग मीन्स अरे आइए। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, हम इस तरह से पूरी रात नहीं बिता सकते थे, या हम रात नहीं बिता सकते थे। आई वॉज इन द रोंग, मैं गलत था। सो ही वॉज इन द राइट, इसलिए वह सही था। तो बच्चों, एलेनोर फेरेजियन द्वारा लिखी गई ये पोयम थी, बहुत ही छोटी और प्यारी सी पोयम थी। तो आप बच्चों को ये पोयम पसंद आई होगी। थैंक यू।